जैन धर्म के 24वें तीर्थांकर भगवान महावीर की जयंती पर्व पर निकली भव्य शोभा यात्रा। भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन। भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव के अवसर पर गुरुवार को दुर्ग में जैन समाज के द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकालकर शहर भ्रमण किया गया। इस अवसर पर आदिनाथ जैन मंदिर एवं दिगंबर जैन मंदिर से निकली शोभा यात्रा, वहीं पूजा एवं अभिषेक के बाद मारवाड़ी जैन विद्यालय से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सकल जैन समाज द्वारा भगवान महावीर की जयंती के अवसर पर विभिन्न आयोजनों के माध्यम से लोगों की सेवा कर यह पर्व मनाया गया। साथ ही इस पर्व में समाज के लोगों को अपनी शुभकामनाएं देने शहर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, सभापति राजेश यादव, कांग्रेस महामंत्री राजेंद्र साहू ने समाज के बीच पहुंच लोगों को अपनी शुभकामनाएं दी। इसी कड़ी में महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। जिला चिकित्सालय परिसर एवं अनाथ आश्रम में फल वितरण किया गया। साथ ही कृष्ण गौशाला छातागढ़ में गायों को सब्जी एवं गुड़ खिलाया गया। शोभा यात्रा के समापन पर ऋषभदेव परिसर में मैत्री भोज गौतम प्रसादी का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि आज महावीर जयंती के अवसर पर सकल जैन समाज द्वारा भगवान महावीर जी का जीवन संपूर्ण मानव समाज को सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह के सुपथ पर चलने का संदेश लिए पर्व मनाया। साथ ही समाज की महिला समितियों द्वारा राहगीरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की गरज से दुर्ग के पटेल चौक पर वाटर कूलर स्थापित किया गया। इस अवसर पर शहर विधायक अरुण वोरा, दुर्ग महापौर ने समाज के द्वारा इस बेहतर प्रयास की सराहना की और साथ ही न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया भी दी। सभी जैन समाज के लोगों ने लिया है, जिए और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म जैसे जो प्राणी मात्र की रक्षा को लेकर जो संकल्प जैन समाज ने लिया है, मैं उसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज यहाँ पे एक कदम ग्रुप पूजा बैच जी के द्वारा एक वाटर कूलर शहर की जनता को समर्पित किया है, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि लगातार मानव सेवा के कार्य को लेकर जैन समाज सजग रहता है, इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जयंती आज पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है और उसी कड़ी में दुर्ग में भी यह उत्साह कम दिखाई नहीं दे रहा है। सभी के चेहरे में मुस्कान है, सब खुश है, सब भगवान महावीर स्वामी के संदेशों पर चलने का संकल्प ले रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी ने कहा था जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म और क्षमा ही वीरों का आभूषण है। ये ऐसे तीन सूत्र है जो हमारे जीवन की सार्थकता को सिद्ध करते हैं। आज के दिन हम सब लोग या किसी भी समाज के हो, सब इस बात का संकल्प ले रहे हैं कि हम भगवान महावीर के स्वामी के बताए रास्तों पर चलेंगे। मैं जैन समाज ग्रुप को बहुत बहुत अस्पताल में एकदम शिविर कर रहा हूँ, गौशाला में मैं सर्व कर रहा हूँ, आश्रम में चिकित्सालय
इस तरह का संकल्प लिया तो कल्याणक महोत्सव पर समिति का केवल एक ही उद्देश्य भगवान महावीर की जो है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।